दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj Vidyu. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला है। दोनों टीमें एक एक टेस्ट मैच जीत चुकी है, इसलिए ये जो मुकाबला होगा वर्चुअल फाइनल की तरह होगा, क्योंकि तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। वैसे में जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीरीज जीत जाएगी, लेकिन भारत के लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के कई सारे खिलाड़ी तीसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। अब ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों टीमों में कौन कौन से प्लेयर जो है वो सिलेक्ट होंगे, क्या होगी प्लेइंग 11, साथ ही साथ हम इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये छोटा सा ऐड देखिए, जिसमें हमने एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में डिस्कस किया है। यकीन मानिए, यहां पर फैंटेसी कॉन्टेस्ट जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है। और हाल ही में मैं माई 11 सर्कल नाम का एक बेहतरीन ऐप पाया। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें हम सच में सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन और आसिफ खान जैसे चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। आपको बता दें कि माई 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस दोनों विरोधी टीमों में से अपनी 11 चुननी है और अपनी टीम बना लेनी है। इतने लंबे समय के बाद भारत में ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला है और माई 11 सर्कल पर हमें अपने ही दिग्गज कप्तान सौरभ गांगुली के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यदि आप दादा की टीम को हराते हैं तो आप 3 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हैं। सच में सोचिए जरा कितना मजा आएगा जब आप दादा की टीम को हराएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बेस्ट टी20 लीग भी खेल सकते हैं और 3 गुना कैश जीत सकते हैं। माय 11 सर्कल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जीता हुआ कैश सीधे आपके खाते में आता है और यह सच में बहुत ही ज्यादा सिक्योर ऐप है। यहां पर कुछ विजेता ऐसे भी हैं जो कि हाल ही में माय 11 सर्कल पर करोड़पति बने, जैसे कि कोलकाता के तूफान बोस और पटना के प्रियरंजन। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करें और माय 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाएं। इसके अलावा अपने पहले डिपॉजिट पर ₹1500 का बोनस प्राप्त करें। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। थैंक यू। अब मैच की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला है और अब तक इस ग्राउंड पर 62 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 25 बार जीती है, वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को 23 बार जीत मिली है। आपको बता दें कि यहां की पिच पर आपको ढेर सारा उछाल और स्विंग देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनरों को भी मदद मिलने लगेगा, इसलिए आप चाहे तो अपनी फैंटेसी टीम में भर भर के गेंदबाजों को ले सकते हैं। ज्यादातर आप जो है तेज गेंदबाजों को रखना। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए अच्छी बात तो यह है कि इनके बल्लेबाज इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, खास करके स्टीवन स्मिथ और लवुशन है। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया है और इस मुकाबले में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम किसी भी कीमत पर यह मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। बात की जाए इनकी गेंदबाजी की तो आपको बताते हैं कि इस ग्राउंड पर इस सीरीज में 15 विकेट ले चुके पैट कमिंस, 11 विकेट ले चुके हेजलवुड और 9 विकेट ले चुके मिचेल स्टार्क का दबदबा रह सकता है और ये सभी प्लेयर्स आपके फैंटेसी टीम में भी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम की। तो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में बाकी के दो टेस्ट मैचों में जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ है। दूसरे टेस्ट मैच में जहां भारत ने दमदार तरीके से जीत हासिल किया, वही तीसरे टेस्ट में एक हारे हुए मैच को ड्रॉ कराकर भारतीय टीम ने यह दिखा दिया कि क्यों ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम है, जबकि भारत के कई सारे मेन प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे थे। भारत ये टेस्ट मैच अगर हार भी जाता है तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहले से ही भारत के कई सारे मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। ऊपर से दूसरे टेस्ट के दौरान रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और हनुमा विहारी समेत 9 प्लेयर्स जो है रूल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में कई सारे नए खिलाड़ियों को इस टेस्ट मैच में मौका मिलेगा, जैसे कि टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर। वैसे गेंदबाजी का सारा दरमदार इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी के कंधों पर होगा। बात करें भारतीय टीम की बल्लेबाजी की तो इस टेस्ट सीरीज में 200 रन बना चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और अनुभवी रोहित शर्मा पर बल्लेबाजी का सारा दरमदार रह सकता है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम पिक करने के लिए ये हमने ऐप को ओपन कर लिया है। ये ऐप जो है माय 11 सर्कल का ऐप है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले हमें विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत को हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अच्छे रन भी बना रहे हैं, टीम पैन जो है उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। ऋषभ पंत अग्रेसिव बैट्समैन है और यहां पर रन कर
करके दे सकते हैं। तो हमने ऋषभ पंत को लिया हुआ है, उसके अलावा चार बल्लेबाजों को हमने सेलेक्ट किया है, लघुशने को, अजिंक्य रहाणे को, स्टीवन स्मिथ को और चितेश्वर पुजारा को। आप चाहो तो चितेश्वर पुजारा की जगह शुभमन गिल को ले सकते हो, उसके अलावा रोहित शर्मा भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, इनकी जगह किसी बॉलर को ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की पिच पर स्विंग और उछाल मिलने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजों को लेने की कोशिश करो। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे पांच बल्लेबाजों को लिया हुआ है, रोहित शर्मा, चितेश्वर पुजारा, स्टीवन स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और लघुशने। शुभमन गिल को मौका मिलेगा तो उनको भी चाहो तो ट्राई किया कर सकते हो। मयंक अग्रवाल अंदर आ रहे हैं तो उनको भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पर रवि चंद्रन अश्विन को हमने लिया है, कैमरन ग्रीन आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको ले सकते हो। गेंदबाजों की बात की जाए तो पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आपको बता दूं कि पैट कमिंस 15 विकेट ले चुके हैं, जॉस हेजलवुड 11 विकेट लिए हैं और स्टार्क ने भी 9 विकेट लिए हैं, और आपको पता ही है कि सिराज भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पूरे टूर्नामेंट के में दिखे हैं। बात की जाए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो पैट कमिंस को मैंने यहाँ पे कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन स्टीवन स्मिथ को बनाया। आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो टीम है स्मॉल लीग्स के लिए है, हेड टू हेड के लिए है, ग्रैंड लीग के लिए नहीं है। ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और माई 11 सर्कल को ज्वाइन जरूर करना, 1500 रुपये का आपको बोनस मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर फैंटेसी कॉन्टेस्ट जितना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो एक बार ट्राई जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे क्लिक करोगे तभी आपको 1500 रुपये का बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में दमदार साबित हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मेरे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टीम यह मुकाबला जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ और होने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद।